सर, दिवाली में 9 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं जी, और किस तरह से इलेक्शन की तैयारियां हैं आपकी, और किस पद के प्रत्याशी हैं लग रहे हैं? मैं देवी प्रसाद सिंह उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मैं विगत 1992 से दीवानी न्यायालय में बतौर अधिवक्ता विधि व्यवसाय कर रहा हूँ। मैंने नौजवान अधिवक्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान करते हुए अपने आप को समर्पण भाव से अधिवक्ताओं की सेवा की है, और मैं सारे अधिवक्ताओं के हितों के लिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो भी हमसे हो सका है मैंने किया है। इसी आशा के साथ मैं एक प्रत्याशी के रूप में उपाध्यक्ष पद के लिए दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता संघ का चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि नौजवान अधिवक्ताओं का स्नेह प्रेम और हमारे सीनियर्स का जो है आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, और इसी विश्वास के साथ हर अधिवक्ता के हित के लिए चाहे किसी भी स्तर पर किसी भी दृष्टिकोण से मैं अपने आप को पीछे नहीं रखूँगा। जहाँ तक मेरी चुनाव की तैयारी की बात है, मेरी चुनाव की तैयारी विगत 33 वर्षों से है। मैं बार में पूर्व में भी पदाधिकारी रहा हूँ, और हर किसी के सम्मान के लिए एक संवैधानिक तरीके से हर सिस्टम के साथ मैंने अपने आप को जोड़ा है, और इस अधिवक्ता समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि अधिवक्ता समाज मेरे इतने दिन के विश्वास को, समर्पण भाव को, और हमारी जो उन लोगों के प्रति किया गया व्यवहार है उसकी कीमत मुझे चुनाव में ज़रूर चुकाएगा, और विश्वास के साथ मैं जीत की कामना करता हूँ। आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि सारे अधिवक्ता नौजवान भाई, हमारे वरिष्ठ, हमारे इस कार्य को जरूर सराहना करेंगे और उसको मत में तब्दील करते हुए मुझे चुनाव में अवश्य जिताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर, चुनाव जैसे कि अगर बात करें अधिवक्ताओं सुरक्षा की, अगर बात करें अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह से आप मुस्तैद हैं? इस बिंदु पर मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम के लोग, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, मैं इस आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो व्यवहार वो अपने सिस्टम में हमारे अधिवक्ता के साथ करते हैं, इस कैंपस के आने के बाद आएंगे निश्चित, इस कैंपस में आते हैं, हमेशा आते हैं, इस कैंपस में रहते भी हैं, मैं सूत ब्याज जोड़ करके वो व्यवहार उनके पास जरूर वापस करूंगा। धन्यवाद। इसी बात के लिए मैं इस बात को धन्यवाद करता हूँ।